फ्रेंड, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है क्लास 11th का। और इस क्लास 11th में जो हम लोग लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन 4 है और इस लेसन 4 का जो नेम है वो है आपका एनिमल किंगडम। इस लेसन का कुछ टॉपिक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, आपको याद होगा। और मैंने लास्टली जो बताया था अपने लास्ट वीडियो में इस लेसन के, वो था आपका बॉडी सिमेट्री। तो मैं बॉडी सिमेट्री में आपको बताया था कि बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का शेप साइज को देखते हुए जब हम उसको प्लेन से सेंट्रल एक्सिस से अगर हम डिवीजन करें तो उसमें बॉडी में जो पार्ट्स प्रेजेंट है उनका पोजीशन किस प्रकार से है उसको जानने के लिए हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हम लोग का होता है सिमेट्री। तो अगर सिमेट्री के बारे में कोई पूछे तो आप बता सकते हैं सिमेट्री का रिलेशन जो होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी का जो शेप साइज और उसके ऑर्गन, जो भी बॉडी पार्ट्स में जो भी ऑर्गन प्रेजेंट है वो किस पोजीशन पे है, किस तरीके से अरेंज है, अगर हमें जानना है तो उसके लिए हम बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से जब डिवीजन करते हैं और उसके बाद उसके हाफ को, जो पार्ट्स डिवाइड होते हैं उनके हाफ को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं कि वो इक्वल हाफ है या हाफ इक्वल नहीं है, या उसके बॉडी का जो प्लेन है, सभी प्लेन में जो भी बॉडी पार्ट्स अरेंज है वो इक्वल और किस डायरेक्शन में अरेंज है, ये सभी हम जानने के लिए जो भी स्टडी करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, सिमेट्री के अंतर्गत आता है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। मेरा लास्ट टाइम कहना ये है सिमेट्री का रिलेशन है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर को समझना कि उसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में जो भी पार्ट्स प्रेजेंट हैं वो किस तरीके से अरेंज है, उनका पोजीशन, उनको अगर हम सेंट्रल एक्सिस से डिवीजन करें तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं, वो हमको देखना जब होता है तो हम किसके अंतर्गत स्टडी करते हैं, तो हम स्टडी करते हैं सिमेट्री के अंतर्गत। तो मैंने आपको बताया था, ओके, अब मैंने आपको बताया है सिमेट्री का टाइप। तो सिमेट्री का टाइप जो होता है मेनली 3 टाइप्स मैंने आपको बताया था। फर्स्ट था एसिमेट्री, सेकेंड जो था आपका रेडियल सिमेट्री, और थर्ड जो था वो था बायलेटरल सिमेट्री। तो ये सभी आज हम लोग जानेंगे। तो सिमेट्री क्लियर हो गया है आप लोगों को। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है सिमेट्री, और सिमेट्री में मैंने बताया सिमेट्री आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एसिमेट्री, और एसिमेट्रिकल हम लोग रिप्रेजेंट कर एसिमेट्रिकल, सेकेंड रिप्रेजेंट एज रेडियल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री, एंड थर्ड इज बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो ये 3 टाइप का आपका सिमेट्री होता है। फर्स्ट है एसिमेट्रिकल, और एसिमेट्रिकल से ही ए लग जाने से ही आप जान लो एब्सेंट। एंड सिमेट्रिकल का मतलब जब भी सेंट्रल एक्सिस से बॉडी को डिवाइड किया जाए तो जो डिवाइड पार्ट्स होंगे, जो डिवाइड प्लेन्स होंगे वो इक्वल हाफ में नहीं होंगे, तो आपका हो जाता है एसिमेट्री, कंफर्म। सेकेंड जो है रेडियल, और थर्ड है आपका बायलेटरल। तो चलिए एक एक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करें, उनके बारे में जाने क्या होता है। तो फर्स्टली
we will discuss about asymmetrical or asymmetry. Asymmetry लिख दीजिए तो आप बताएंगे in this the body of an organism divided from central axis no any half of equal no any half equal मेरी बात समझिएगा. इसके इसमें जो बॉडी इस एसिमेट्री के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें बताया गया इन दिस द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो बॉडी होता है एक ऑर्गेनिज्म का डिवाइड फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस अगर उसको डिवाइड किया जाता है सेंट्रल एक्सिस से नो एनी हाफ इक्वल दैट मीन्स नो एनी प्लेन इज इक्वल दैट मीन्स एनी प्लेन जो होगा मतलब एनी प्लेन इक्वल नहीं होगा तो ये आपका होता है एसिमेट्री. तो एसिमेट्री कन्फर्म हो गया होगा. एसिमेट्री आप बता पाओगे एसिमेट्री ये होता है सेंट्रल एक्सिस से जब डिवीजन किया जाए तो इक्वल हाफ में कभी भी डिवीजन नहीं होगा तो आपका होगा एसिमेट्री. और इसका फॉर एग्जांपल में अगर कोई आता है तो वो होता है आपका स्पॉन्जेज. जो स्पॉन्जेज होते हैं आपके फाइलम पोरिफेरा में जो मेंबर होते हैं स्पॉन्जेज उनका बॉडी एसिमेट्री टाइप का होता है. एक डायग्राम से अगर मैं शो करूं तो अगर एक डायग्राम बना लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का और अगर आप इसको सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करें तो आप देखते हैं कि ये डिवीजन में दोनों हाफ ऑफ डिवाइड नहीं हो रहे हैं. ऐसा ही इनका ऑर्गेनाइजेशन भी है. आप सोच रहे होंगे मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं. इसमें ऐसा है कि कोई साइड का जो डायरेक्शन है वो लार्ज है मतलब उस साइड में लार्ज पार्ट है या लार्ज है और कोई साइड जो है वो स्मॉल है. तो अगर इसको सेंट्रल से आप डिवाइड कर रहे हो सेंट्रल से अगर डिवाइड किया है अब तक सेंट्रल से है नहीं और सेंट्रल से डिवाइड कर दो सेंट्रल से तो आप देख सकते हो बच्चे कि इक्वल प्लेन में डिवीजन नहीं होगा इक्वल हाफ पे डिवीजन नहीं होगा. तो ये हो जाएगा आपका एसिमेट्री फिगर. आप लिख देना कोई पूछेगा तो आप बता देना. कन्फर्म तो ये आपका हो गया. अब सेकेंड जो है आपका है रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री में आप क्या बताओगे इन दिस ऑर्गेनिजम्स बॉडी डिवाइडेड फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस इनटू मेनी इक्वल हाफ कॉल्ड रेडियल सिमेट्री.
कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। मेरी बात समझिएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके बॉडी को अगर डिवाइड हम कर रहे हैं सेंट्रल एक्सिस से, तो मेनी इक्वल हाफ में अगर डिवाइड हो जा रहे हैं कि कोई भी प्लेन से, अगर इस प्लेन से काटे तब भी हो जाएगा, इस प्लेन से काटे तो, कोई प्लेन से अगर आप कट करते, एनी प्लेन से आप कट करते हो, इस डायरेक्शन इस डायरेक्शन, प्लेन का मतलब डायरेक्शन से है कि किस डायरेक्शन से आप कट कर रहे हैं, तो सभी जो होते हैं इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो आपका होगा, मतलब मिनी हाफ में डिवाइड हो जाए तो आपका होगा, बताओगे यार, रेडियल सिमेट्री। देखो आप चौक को ही देख लो, ये आपका सिलेंड्रिकल है, अगर इसको आप डिवाइड करो इस डायरेक्शन से तो भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, और इस डायरेक्शन से भी डिवाइड करोगे टू पार्ट में हो जाए, और थोड़ा सा कर्व करके भी कट, मतलब हर जगह से आपका इक्वल हाफ हो जाएगा जस्ट लाइक, तो आपका होगा रेडियल सिमेट्री। मान लीजिए ऐसे मैंने चौक को ही बताया कि चौक को अगर आप यहां से डिवाइड करोगे तो टू इक्वल हाफ में हो जाएगा, फिर आप अगर यहां से भी डिवाइड करोगे तो टू इक्वल हाफ में हो जाएगा, मतलब टू इक्वल हाफ में डिवीजन हो जाएगा। यहां से कहने का मतलब अगर इस तरीके से आपने डिवाइड कर दिया तो इक्वल हाफ में हो गया, अगर इसके बाद आप उसका ऐसे करके आप यहां से डिवीजन किए हैं ना, मान लीजिए चौक है तो आपने डिवीजन किया इस तरीके से तो भी इक्वल हाफ में, अगर ऐसे भी डिवीजन करते हैं इसके ऊपर, अगर इस तरीके से भी डिवीजन करेंगे ऐसे और इस तरीके से, तब भी आपको इक्वल हाफ में देखने को मिलेगा, तो आपका कहलाएगा रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री कंफर्म हो रहा होगा आपका कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी, मान लीजिए मैं ऐसे बता रहा हूं ना, इक्वल हाफ में इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, ऐसे भी, और इस डायरेक्शन में, कई पार्ट में अगर डायरेक्शन में डिवीजन हो जा रहा है सेंट्रल एक्सिस से, तो आपका कहलाएगा रेडियल सिमेट्री। कंफर्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर लें, फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा सिलेंड्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल में आपके हो जाएंगे सिलेंड्रेटा फाइलम के जो भी मेंबर होते हैं, कोलेंट्रेटा जिस पढ़ते हैं, उसके बॉडी जो बॉडी में सिमेट्री जो देखने को मिलता है वो होता है आपका रेडियल सिमेट्री। इसके अदरवाइज टीनोफोरा आपके बुक में दिया गया है, टीनोफोरा। इसके बाद अदरवाइज और एग्जांपल अगर लें तो एग्जांपल में है आपका एडल्ट इकाइनोडर्म, जिसमें इस एग्जाम्पल स्टारफिश आपने नाम सुना है, और तो इससे क्लियर हो गया। ओके, तो आप देख सकते हो स्टारफिश को फाइव एंगल में आप डिवाइड कर सकते हो ना, अगर ये स्टारफिश हो जाए, मान लो कि ये स्टारफिश है और इसको फाइव इक्वल हाफ में अगर डिवीजन हो जाए, फाइव इक्वल हाफ में देख रहे हो ना, सभी सेंटर से जा रहे हैं और सेंटर से जा रहे हैं और सभी इक्वल हाफ में डिवीजन हो जा रहा है, तो आपका कहलाएगा रेडियल सिमेट्री। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अब भी न समझ में आया तो क्या किया जाए, लेकिन मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। फिगर रेडियल सिमेट्री देखिए, सेंट्रल एक्सिस से डिवीजन हो रहा है, रेडियल सिमेट्री। अब इसके बाद लास्ट बच गया आपका, इसमें लेफ्ट और राइट डायरेक्शन ही आप कर सकते हैं, इसमें कई हाफ में डिवीजन हो रहा है, इसलिए आप मान लो कि ये लेफ्ट राइट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर इस साइड से डिवीजन हो जाए, इस साइड से डिवीजन, तो इसमें लेफ्ट और राइट आप नहीं जब शो कर पाओगे तो भी आपका रेडियल सिमेट्री में ही आता है, याद रखिएगा। अब इसका नेक्स्ट जो होगा वो आपका होगा बाइलैटरल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री और सिमेट्रिकल जो भी आप पढ़िए, देखिए बाइलैटरल सिमेट्री में बताया गया है इन दिस
these organisms body divided into from central axis into two equal half called bilateral symmetry. Bilateral symmetry. For example, में अगर कोई देता है तो आप बता सकते हो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, तो ये सब फाइलम है। इसमें इंक्लूडिंग जो मेंबर होते हैं उनकी बॉडी जो होती है टू इक्वल हाफ में सेंट्रल एक्सिस से ओनली टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है, डिवाइड होती है, तो आपके किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, वो आपके इंक्लूड किए जाते हैं बाइलेटरल सिमेट्री में। एग्जाम्पल में आती है ह्यूमन बींग्स, देखिए इक्वल हाफ में अगर डिविजन करें तो इक्वल हाफ में डिविजन हो जाएगा, बट ऐसे अगर इक्वल हाफ में करें तो इक्वल हाफ में डिविजन नहीं होगा। तो ओनली सेंटर से मिडिल से वन इक्वल, मतलब मीडियम से सेंट्रल एक्सिस से टू इक्वल हाफ में अगर डिवीजन हो जा रहा है तो आपका कहलाएगा बाइलेटरल सिमेट्री। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। कंफर्म हो गया? तो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे, मान लीजिए कि जैसे भी मैं एग्जांपल में आपको बता दूं, आर्थ्रोपोडन्स की बॉडी, आप मान लीजिए कि आर्थ्रोपोडन्स मेंबर की बॉडी होती है, अक्सर आपने देखा होगा, तो इनकी बॉडी को अगर सेंट्रल एक्सिस से डिवीजन करें हम, फिगर को अच्छे से बनाने के बाद समझ में आएगा आपको। मान लीजिए अगर हम सेंट्रल एक्सिस से डिवीजन करें तरीके से, अगर बॉडी का डिवीजन किया जाए और सब आप सेंट्रली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो ये फिगर हो जाएगा आपका बाइलेटरल सिमेट्री का। ये फिगर है आपके बाइलेटरल सिमेट्री का। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस जो करेंगे वो होगा बॉडी डेवलपमेंट। बॉडी डेवलपमेंट नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका बॉडी डेवलपमेंट। बॉडी डेवलपमेंट का रिलेशन है जब बॉडी का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज के समय, जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है उस टाइम जो भी जर्म लेयर इन्वॉल्व होते हैं उसके बेसिस पर आप जो स्टडी करोगे वो आपके इसमें इंक्लूड किया जाएगा बॉडी डेवलपमेंट में। तो बॉडी डेवलपमेंट रिलेटेड टू द एम्ब्रियोनिक कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म बॉडी डेवलप थ्रू जर्म लेयर के थ्रू जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है तो उसमें किस टाइप से जर्म लेयर इंक्लूड होते हैं वो आपका आता है बॉडी डेवलपमेंट में। अब ये बॉडी डेवलपमेंट के बेसिस जो
बॉडी डेवलपमेंट जो होता है, ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया बॉडी डेवलपमेंट के बेसिस पे। एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक बॉडी डेवलपमेंट और एक होता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी डेवलपमेंट। तो फर्स्ट होता है डिप्लोब्लास्टिक और सेकेंड होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ब्लास्टिक रिलेटेड है आपके जर्म लेयर से। तो अगर टू जर्म लेयर, डिप्लो मतलब है टू और ब्लास्टिक मीन्स है जर्म लेयर। जर्म लेयर आप समझ लीजिए कि बॉडी के फॉर्मेशन करने के टाइम की एम्ब्रियोनिक स्टेट में जो सेल्स का एक ग्रुप बनता है तो लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। और वो लेयर जो होते हैं सेल के ग्रुप से लेयर का फॉर्मेशन होता है, वो लेयर आपके जर्म लेयर्स होते हैं। पहले आप आगे के क्लासेस में आप जब 12th में आएंगे तो आप और डिस्कस करेंगे इसके बारे में जानेंगे, बट अभी समझ लीजिए कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्म करता है, तो उस टाइम जो भी लेयर या सेल्स के ग्रुप से जो लेयर फॉर्म होते हैं, अगर टू लेयर से पूरे एम्ब्रियोनिक स्टेज का एम्ब्रियो कंडीशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो वो आपका होगा डिप्लोब्लास्टिक। अगर मेनी से होता है, टू से अधिक थ्री से होता है, तो होगा आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये आप याद रखिएगा, डिप्लोब्लास्टिक में टू हो जाएंगे टू और एक हो जाएगा एक्टोडर्म, जर्म लेयर जो होते हैं थ्री होते हैं। अगर एक्टोडर्म और इंडोडर्म ही केवल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंडोडर्म जो ही इन्वॉल्व हो रहे हैं इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी का फॉर्मेशन करने में, मीजोडर्म देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म के मेनली जो जर्म लेयर होते हैं थ्री होते हैं। एक याद रखिएगा एक्टोडर्म बेटा जो एक्सटर्नल पार्ट को फॉर्म करता है, मीजोडर्म जो होता है मिडिल पार्ट को, आप नेम से इंडोडर्म इंटरनल पार्ट को, कुछ इंटरनल पार्ट को, ठीक है। तो देखो एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म, और ये थ्री जर्म लेयर हैं, इनमें से अगर टू इन्वॉल्व हो रहे एक्टोडर्म और इंडोडर्म तो आपका होगा डिप्लोब्लास्टिक। अगर थ्री इन्वॉल्व हो रहे हैं इनसे किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक कंडीशन, तो हो जाएगा आपका ट्रिप्लो, क्योंकि ट्राई मीन्स हो जाएगा थ्री थ्री, और थ्री में आपके आ जाएंगे एक्टो डर्म प्लस मीजो डर्म प्लस इंडो डर्म, ये आप याद रखोगे। तो ये हो गया आपका डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मैं ही यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। अगले वीडियो में मैं आगे इस लेसन का टॉपिक बताऊंगा। ओके, थैंक यू।